أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. जिंदगी ख्वाहिश जर में बसर करते रहे, जिंदगी ख्वाहिश जर में बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे। जिंदा दिल बुजुर्गो, शेर दिल नौजवान भाइयों, फूल दिल नन्ने मुन्ने साथियों, ममता से लबरेज नरम दिल इस्लामी हो बहनों, मैं और आप तीन घर रखते हैं लेकिन हमारी फिक्र उन तीनों घरों के बारे में शायद वो नहीं है कि जो होनी चाहिए थी। अहलुल हदीस कॉन्फ्रेंस के स्टेज से इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सामने रख करके हम अपने आज उन तीनों घरों के बुनियादी लवाजिमात, जरूरियात, उनके लिए किए जाने वाले तहफ्फुज़ात और फिर वो मुआमलात कि जिनसे वो घर जन्नत नुमा बनते हैं, ये जहन्नम कदा बन जाते हैं, उसमें अपने रवैये पे गौर करेंगे। जहां गलती है वो दुरुस्त करेंगे, जो सही है उस पर रब का शुक्र करेंगे। भाइयों, पहला घर वो है जो इस जमीन के ऊपर हमारा घर है। ये घर अखलाक के जरिए जन्नत नुमा भी बन सकता है और बद अखलाकी के जरिए जहन्नम कदा भी बन सकता है। दूसरा घर मेरा और आपका यहां से रुखसत होने के बाद कब्र है। आमाल अच्छे हैं तो मेरा रब इसे जन्नत का बगीचा रौदतुम मिन रियादिल जन्ना बना देगा, और अगर मुआमलात बरअक्स हैं तो ये जहन्नम का गढ़ा भी हो सकता है। हशर के फैसलों के बाद तीसरा घर जिसका सही मानों में अबदी फैसला होना है, या जन्नत है या जहन्नम है। तो आगाज करते हैं अपने इस दुनिया के घर से। हजरात, मामूली सी गलती आप लोगों ने देखी तो सभी कहने लगे कि इसकी इस्लाह होनी चाहिए।
जिस तरह हमने अपने उस भाई की तरफ देखा है, आज अपने इन मुआमलात में जरा अपनी तरफ भी देखना है। अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। और ये बुनियादी गलती है कि जो हमारे दुनिया के घरों को, कब्र वाले घर को और आखिरत के अबदी और दायमी घर के लिए हमें कुछ करने नहीं देती, और हम कहते हैं कि बस मैं ठीक हूं बाकी गलत। नहीं भाइयों, दुनिया का ये घर जिसके लिए मैं और आप दरो दीवार खड़े करते हैं, अगर अखलाक सही है, लबो लहजा गुफ्तगु चाल चलन एक दूसरे की नफ्सियात को समझना दुरुस्त है, तो मेरा रब इस घर को भी जन्नत नुमा बना देता है। लेकिन अगर यहां जातियात का मुआमला आ जाए कि मैं अफजल, मैं आला, मैं अदना, मेरी जात, मेरी बिरादरी, मेरा कबीला ये आला है, जो मेरे मद्दे मुकाबिल है वो उस लेवल या उस दर्जे का नहीं, तो भाइयों ये जोड़ बराबर का नहीं, और जोड़ बराबर का ना हो तो बात नहीं बना करता। हसब और नसब को बुनियाद बना करके हमने अपने घरों को जन्नत नुमा नहीं बनाया। ये वो पहली बुनियाद है कि जिसको आज मैं और आप अक्सर देख रहे हैं जी, बिरादरी अपनी होनी चाहिए। कल परसों ईद से पहले आगे पीछे एक मुशारा चला मीडिया पे, आप लोगों ने भी देखा होगा, माजरत के साथ, बड़ी लंबी वहां एक नजम पड़ी गई और वो हर बिरादरी के ऊपर फिट आती है। मुंडा भावे लूला होवे, लंगड़ा होवे, काना होवे, शर्त इक्को ही है पर राणा होवे, बड़ी लंबी इसके ऊपर लय। किसी ने कहा कि नहीं, राई होवे भावे साई होवे, हमने जब ये जोड़ जोड़ा है और फिर उसके ऊपर अपनी जात को, अपनी बिरादरी को हमने मजबूत देखा है, तो यहीं से हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े, हमारे फट्टे। लेकिन भूल गए कि हम कौन हैं। यहां सैयद कितने बैठे हैं इस मजलिस में? कोई सैयद बैठा है? नहीं, ये वैसे हाथ नहीं उठा रहे। भाइयों सारे आदम अलैहि सलाम की औलाद है ना, आदम के बच्चे बैठे हैं। जब बाप सैयद है तो औलाद सैयद क्यों नहीं? मैं हैरान हूं। आदम अलैहि सलाम सैयद हैं कि नहीं? भाई नबी सैयद होता है कि नहीं? जब बाप सैयद है तो औलाद को भी सैयद होना चाहिए जी। अब सैयद कौन कौन है? माशाल्लाह, जब सब सैयद हैं तो सुन ले, सैयद होता कौन है? सैयद वो होता है कि जिससे ये नहीं कि गलती ना हो, गलती हो जाती है, लेकिन गलती पे इसरार नहीं करता, इकरार कर लेता है, मान लेता है और मुआफी मांग लेता है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। ये नहीं कि हम खता के पुतले नहीं, हम आदम के बेटे और पोते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती पे डट जाना जो है ये सैयद होने की अलामत नहीं, ये शैतनत की अलामत है। शैतान गलती करके डटा। अगर सैयद है, सारे सरदार बनना चाहते हैं, तो जहां गलती हो मर्द से या औरत से, अपने हसब और नसब पे ना जाएं, बल्कि अपनी असल को देखें। असल क्या है? कुल्लुकुम मिन आदम व आदमु मिन तुराब। ये मेरे घर का जो सफर है, मट्टी से मट्टी पर, मट्टी के अंदर का सफर, इसको हमने समझना है। गलती जहां मेरी है, गलती को मानूं, दूसरे की है वहां। हसब और नसब के ऊपर लड़ मर के, जात बिरादरी के ऊपर तरजीहात देके, मैं अपने घरों को जहन्नम कदा नहीं बनाऊं, बल्कि इसमें यह देखूं कि कहां मैं सही हूं, कहां मैं गलत हूं। भाइयों दूसरा मामला, मेरे और आपके घर अच्छे बन सकते थे, लेकिन हमने इनको बनाया माल के नाम पे, पैसे के नाम पे, दौलत के नाम पे, कि दौलत ज्यादा होगी तो घर मजबूत होगा, बड़ी कोठी होगी, कला नुमा होगा। भाइयों आप मुझसे पहले ताहिर साहब की जुबानी सुन रहे थे कि घर सिर्फ दरो दीवार का नाम नहीं है। इन्नमल ईदुल मन आद,
ईद नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, नए जूते ले लेने का नाम नहीं, और फिर जो है ये अच्छे पकवान पका करके खा लेने का नाम नहीं। ईद तो उनकी होती है जिनके कहीं गए हुए हूं वो वापस लौट आए, वो वापस लौट आए। वगरना बेटा कहता है बाप घर नहीं ईद कैसी, बीवी कहती है शौहर घर नहीं लौटा तो ईद कैसी, आप आए ईद आई, आप नहीं आए तो ईद कैसी, सारी दुनिया है रस्म मुलाकात भी है, आप नहीं मिले तो ईद कैसी। लोगों जिस तरह ये हकीकत है इन्नमल ईद लिमन आद, तो फिर दौलत के लिए आप ऐसी वादियों में चले जाएं कि वापस ही ना लौट पाए, तो फिर ये कामयाबी नहीं, यही दौलत गले का फंदा बनता है। अपनी दौलत की खातर, माल की खातर, पैसे की खातर, लॉटरी की खातर, मैं अमीर वो गरीब, वो अमीर मैं गरीब, इन चक्रों में पड़ के मैंने घरों को टूटते देखा है, तलाकें होती देखी हैं। नहीं, जरूरियात मेरा रब वो कुल्ली वालों की भी पूरी कर देता है, ख्वाहिशात कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। इन बुनियादों पर आकर के कभी अपने आप को परेशान करके घर को जहन्नम कदा बना के लड़ लड़ के एक दूसरे को मार करके फारिग करके बच्चों को जिंदा यतीम बना करके तड़ाख तड़ाख करते हुए तलाक तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए। माल मेरा रब दे के भी ले लेता है और लेके भी फिर दे देता है। और यहां एक ही नुक्ता याद रखिए, घर जन्नत नुमा बन जाएगा। शौहर की आजमाइश होती है जब बीवी बीमार हो, और बीवी की आजमाइश होती है जब शौहर पे गुर्बत आए। मैंने देखा है गुर्बत में बीवियां नहीं रहती, जो रह जाए वो बावफा है और घर जन्नत नुमा है। दूसरी तरफ देखा है बीवी बीमार हुई नहीं और शौहर ने घर से फारिग की नहीं, बीमार मेरे मत्थे, ये मेरे पल्ले डाली है, संभाले जी ले जाए इसको, कौन इसके ऊपर खर्चा करे। लोग ताने देने लगते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, नजरें बदल जाती हैं, तकलीफ पे तकलीफ पड़ने लगती है। अल्लाह के बंदो नहीं, तकलीफ के अंदर मुश्किल के अंदर जो साथ निभाना नहीं सीखा, फिर उसको अपने घर के अंदर खुशियों का इंतजार नहीं करना चाहिए। यहां हम इंसान हैं, दुख भी है, दर्द भी है, बीमारी भी है, और रब इन चीजों के जरिए मेरी और आपकी आजमाइश कर रहा है। तीसरी चीज जिसने मेरे और आपके दुनिया के घर को, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, हमने दुनिया के हुसन के पीछे जान दे दी है। हर बंदा अपने जहन में आइडियल बना के हसीन और जमील बनने और बनाने की कोशिश में पड़ा हुआ, पूरी कौम अपनी नजर, अपनी फिकर, अपनी शक्ल, अपना वजूद, अपनी बॉडी, अपना अमल, अपने मुआमलात, अपना करेक्टर, अपना किरदार उसके ऊपर तो संवारने में नहीं लगी हुई। हर गली में ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, बस बूथी जो है वो अच्छी हो जाए, चेहरा साफ हो जाए, स्किन पॉलिश हो जाए, मेरा वजूद प्यारा लगने लगे, इसका फिशल हो जाए, दाने मौके रहे नहीं, कील मुहासे खत्म हो जाए, जिल्द साफ शफाफ हो जाए, इसके ऊपर हमने जो अपना सरमाया दौलत पैसा लगा के लड़के और लड़कियों ने अपने आप को हसीन बना के पेश किया, लेकिन भूल गए इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल का सिर्फ यही माना नहीं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक्बलु इल्ला तय्यिबा, कि आपके सिर्फ रब शक्लों को नहीं देखता, आपकी और मेरी सूरतों को नहीं देखता, वो मेरी और आपकी सीरत को देखता है, वो दिलों को देखता है। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में, लेकिन हमने शक्लों पे आके, चेहरों पे आके, मोहरों पे आके, रंग देख के, सूरत देख के, मूरत देख के, इनके पीछे भाग के दौड़ करके पूरी कौम जो है लवली लवली होकर के मोहब्बतों की कहानियों में डूब के, और फिर जो है ये लव की वादियों में जाके जवानी दीवानी को मस्तानी बना करके, ये आशकियों के चक्रों में पड़ के 1-2 के अंदर जा करके पता नहीं कहां कहां तलक गई, लेकिन घर आबाद नहीं हुए। और घर आबाद कैसे हूं, कहने वाले ने कहा था गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मैं चोलिस्तान में जाके उल्लुओं को मिला, और हकीकत के उल्लू, जेन्युइन उल्लू, उनको देखा, कहा इल्जाम आया है कि तुम्हारी वजह से गुलशन बर्बाद हुए हैं। कहा रब ने तुम्हें जुबान जो दे दी है, जो कह दो, जो लिख दो तकरीर में, तहरीर में, हम कब बोल के जवाब देंगे। लेकिन गौर करना, कभी किसी उल्लू को फूल तोड़ते देखा, कली को मसलते देखा, और बाग को वीरान करते देखा, या कभी किसी बाग में भूंडी करते देखा।
मैंने कहा फिर ये इल्जाम है तो मुजरम कौन है? कहा मैं नहीं, उल्लू नहीं, ये तेरी कौम का इल्लू है। मैंने कहा समझा नहीं। कहा तुझे समझ क्यों नहीं आ रही ये इल्लू? कैसा इल्लू? कहा ये पूरी कौम आई लव यू के चक्कर में आई एल यू डाल के, ये जो तेरा इल्लू है ना, ये बोल अब के गुलशन की बर्बादी को, एक ही इल्लू काफी है, हर शाख पे इल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा उसकी, मेरे लड़ मेरी, उसके लड़ वो, मेरे घर में उसके घर, इसकी मम्मा उसका फादर, उसकी जो है फादर इसकी मादर, ये सारे चक्कर तेरे मेरी मुआशरे और जो तहजीब इसकी अखलाकियात को बर्बाद करके चले गए, और हमने सोचा कि घर जो है वो जन्नत नुमा हो जाएगा। नहीं, फिर शकूक होंगे, शुबहात होंगे, एतमाद कत्ल होगा। जब एतमाद नहीं तो इज्जत नहीं, इज्जत नहीं तो वकार नहीं, वकार नहीं तो किरदार नहीं, किरदार नहीं तो घर बार नहीं। लोगों फिर जब ये नहीं तो फिर जन्नत नुमा कैसा, फिर आगे लगती है, फिर लोग जलते हैं, फिर जो है अपने हाथों से टुकड़े होते हैं, कीमे बनते हैं, और फिर उनको जो है पीस बना करके दबाया जाता है घरों के अंदर से, जो है उनको चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, चेहरों पे तेजाब डलते हैं, फिर नफरतें बढ़ती हैं। हाँ, जिस हुसन के पीछे तू भागा था, काश के तूने कभी चेहरे के हुसन के साथ अच्छा किरदार भी देखा होता, उसने सीरत भी देखा होता। आज मेरे और आपके मुआशरे में जरूरत है कि अगर सारे ही हुसन के देवे और देवियां बनके, देवता बनके, और ये बड़े बड़े फरिश्ते बनके, खूबसूरत जो है ये परियां बनके इन्हीं चक्रों में पड़ गए हैं, तो जिनके रंग सांवले हैं वो किधर जाएंगे? जिनकी शक्लें तेरे मेरे मेरिट और मेयार पे नहीं उतरती, वो मेरे घर की बहन, वो बेटियां, वो इज्जतें कहां पर जाएंगी? हां, लौटिए, वापस आइए, जनाबे बिलाले हबशी को भी याद रखिए, मदीने की गलियों को याद रखिए, कोई नहीं। आज हम कलमा कलमा पढ़ के मुसावात का दर्स तो देते रहे, लेकिन कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, हम बेटी देने को, रिश्ता देने को कहां तैयार होते? लेकिन वो मदीने की गली में कभी देखना, मोटे ओंठ वाले, धंसी हुई आंखों वाले, और काली मर्चों जैसे मुड़े हुए बालों वाले, चपटे और जमीन पे थपकने वाले पांव वाले, ये काले सिया रंग के हबशी बिलाल क्या कह रहे हैं? इन सबजतमूनी फलहम्दुलिल्लाह फइन अनकरतमूनी फल्लाहु अकबर। और लोगों, मेरा कोई अजीज नहीं, रिश्तेदार नहीं, ताल्लुकदारी नहीं, जान पहचान नहीं, मेरी कोई यहां बेस नहीं, बुनियाद नहीं। मैं मंडियों में बिक के आया, गले में रस्सी डली हुई थी, जब मुझे खरीदा गया उमैया ने लिया था, मुझे कोई जान पहचान वाला नहीं। मेरी जान पहचान, मेरी शक्ल, मेरी सूरत अच्छी नहीं, लेकिन मेरी सीरत को देखो, मोहम्मद रसूल सल्लम की सीरत, इमाम आजम की सीरत में धुली हुई है। हजरात, फिर दुनिया ने देखा कि मदीना वालों ने किस तरीके से अपनी शहजादियों की आफर करवाई। ये ईमान है, ये बुनियाद है, ये चीज है कि जिससे घर जन्नत नुमा बना करते। और चौथी चीज, दीन। जिन लोगों ने दीन को चुना, महबूब की रिवायत सामने रखी, फसफर बिजात दीन, दीनदार लड़का ढूंढ, दीनदार लड़की ढूंढ, और फिर आपस में जोड़ जोड़ ले, निकाह कर ले, तेरा घर जन्नत नुमा हो जाएगा। लोगों ने समझा कि मदरसे का पढ़ा लड़का, मदरसे की पढ़ी लड़की, इनको घर में ले आइए, वो हमारा दामाद बन जाइए, हमारी बहू बन जाए, घर जो है जन्नत नुमा हो जाएगा। लेकिन वही हुआ, न बाप की इज्जत, न माँ की इज्जत, घर में पकने वाली रोटी का जो है सिलसिला खत्म, पर्दे के नाम के ऊपर जो है माशाल्लाह कोई काम नहीं हो रहा, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। क्या यही माना था कि दीन का माना कि आप सबसे जो है कट ऑफ होके, तनहा होके, यकता होके, अलग होके बैठ जाए और कहे कि ये दीन है? नहीं लोगों, ये दीन नहीं, दीन ये है कि आप अपने रब खालिक और मखलूक दोनों से इस तरीके से डील करें कि खालिक भी नाराज ना हो, मखलूक भी नाराज ना हो। खालिक के टाइम में मखलूक को टाइम ना दिया जाए, मखलूक के टाइम में खालिक का हक नहीं मारा जाए। ये दोनों चीजें उस वक्त जो है मुसल्ले पे ना हो, और इस वक्त जो है वो किचन में ना हो, दोनों चीजें जब ये डील करेगी। नमाज का टाइम है, सबको कह दे अल्लाह के बंदो चलो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो है अपना टाइम देखते हैं, और जब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, शोहर आ रहा है, उसका टाइम है, तो मुसल्ले पे खड़े ना हो जाए। हजरात, अगर इस तरह की नौयत बाप का हक बाप को दे, माँ का हक माँ को दे, बहन का हक बहन को, नंदू का हक नंदू को मिले, और देवर जेठ के जो हुकूक है, पर्दा अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, आबरू अपनी जगह, वकार अपनी जगह, सीरत और किरदार का हुसन अपनी जगह, लेकिन ये नहीं कि इससे सिला रहमी में, कतर रहमी जो है वो उसमें बदल करके रह जाए,
तो फिर घर जन्नत नुमा नहीं बनेगा, ये चीजें ली जाएंगी। मैंने अपनी माओं को देखा, सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा, जनाब मेरे महबूब के घराने हैं और उम्मातुल मोमिनीन मौजूद हैं, दुनिया के काम भी हो रहे हैं, दीन के काम भी हो रहे हैं, अफराद आ रहे हैं, पर्दे की ओट में है, काम जारी और सारी है, रुके नहीं है, कता ताल्लुक ही नहीं है, मुआमला चले हैं। लोगों ये काम हम करेंगे तो घर जन्नत नुमा बनेगा। और एक और मजबूरी के हमने हमेशा ये कहा है कि दूसरा मेरी नफसियात को समझे, मुझे उसकी नफसियात को समझने की जरूरत ही नहीं। ये हमारे घर तभी छोटी छोटी बातों पे लड़ लड़ के मर मर के झगड़ झगड़ के तलाकों की नौबत पे ये जन्नत नुमा नहीं बन सके। बड़ी बड़ी खापे देखी थी और जो है सबस बाग दिखाए थे, ताबीरें जहन में लाए थे, लेकिन वो ताबीर पूरी नहीं हुई। हुई क्यों नहीं कि दुनिया में सबसे नाजक रिश्ता है जो लफ्जों पे खड़ा है, नाजक रिश्ता। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, और नरम लफ्जों से भी लग जाती है चोटें अक्सर, और फिर लफ्जों के ऊपर लहजे और जो है तेल छिड़कते हैं। लफ्ज आतिशफिशां नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। मेरा और आपका लहजा घर में अजीब सा लहजा है। मोटरवे पे सफर कर रहा हूं, मेरे साथ एक बड़े अच्छे खासे अल्लाह की रहमत के साथ एक इलाके के अमीर भी हैं और इलम वाले भी हैं, मदरसा से फाजिल भी हैं। अल्लाह ताला ने दुनियावी जाहो वजाहत भी दी है और बीवी भी पढ़ी लिखी है। पता है आवाज कैसे दे रहे हैं, ओए अकम कर। अब अगर आप ओए कह रहे हैं, आप इन लफ्जों के साथ बोल रहे हैं, तो बदले में क्या इज्जत वाला लफ्ज मिलेगा? भाई अदब लेना है, करवाना है तो अदब करो, एहतराम लेना है तो एहतराम बांटो, खुशी लेनी है तो खुशी तकसीम करो। आप जो देंगे वो वापस लौटेगा। आप अगर ओए करेंगे तो जवाब में ओए की उम्मीद रखें। तू कह रहा है तो तू की उम्मीद रख। आप बोलोगे तो जवाब में आप आएगा, बच्चे सुनेंगे सीखेंगे। ये एक अदना सी मिसाल थी, लेकिन हमने कभी अपनी बीवी को नफसियात की समझने की कोशिश नहीं की, बीवी ने शोहर की नफसियात को समझने की कोशिश नहीं की। ये समझता है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैं जो रोब डाल दूंगा वो हमेशा के लिए। और बीवी ये समझती है कि मैं आज अगर नीचे लग गई तो हमेशा के लिए बात खराब हो गई। लोगों तीन चीजें, नाज, नखरा, ये अल्लाह ने मर्द में भी रखा है औरत में भी रखा है, नाज और नखरा। लेकिन हमने क्या कहा, ये जिद्दी है, हमने इसे जिद का नाम, हट धर्मी का नाम, बगावत का नाम, अनाद और दुश्मनी का नाम दे दिया। अगर औरत में ये चीजें हैं तो मर्द में भी है। अगर औरत सही नफसियात की माहिर ना हुई तो समझें उसका शौहर गया, और अगर शौहर नहीं समझ पाया तो औरत गई। समझा करें कि नाज क्या है, नखरा क्या है, जिद कहां है, बगावत कहां है। आज मेरे साथ प्रोफेसर है नफसियात के, 19वें ग्रेड में प्रमोशन हुई अगले दिन, घर के अंदर बीवी जो है वो भी प्रोफेसर है 17वें ग्रेड की। तो देख के बड़ी रंजिश हुई कि आप अब 19वें ग्रेड में चले गए हैं, मैं 17वें ग्रेड में, पहले हम दोनों बराबर थे, आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई है। तो पता नहीं क्या नफसियात में बात बैठ गई, वो भी नफसियात की प्रोफेसर है, वो भी नफसियात के प्रोफेसर है, लेकिन घर में मसला क्या हुआ। आज सुबह स्टाफ रूम में बैठे हुए सर पकड़ा हुआ, मैंने कहा जनाब प्रमोशन हुई है, आपने मिठाइयां बांटी हैं, खुश होना चाहिए, क्या बन गया? कहते जी सुबह सुबह एक बड़ा मसला बना है। कहा क्या हुआ? कहा बच्चियों को नाश्ता दिया जा रहा था, मैंने पानी पकड़ा, डाइनिंग टेबल पे था, बीवी ने कप जो है ऐन मेरी टांगों के दरमियान चाय का गर्म वो छोड़ दिया, वो नीचे टूटा फटा, मेरे कपड़े, मेरी तैयारी, सब कुछ बर्बाद। अब दिल तो किया कि तड़ाक तड़ाक लगाऊं, फिर सोचा वो भी प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर। का तीन दिन से यही सुन रहा था, हुण तुसी सानू बंदा किथे समझना, तुहाडा ग्रेड वड्डा हो गया। मेरे भाई ये दुनिया, ये दौलत, ये प्रोफेसरी, ये लेक्चररशिप, ये तेरा इलम, ये तेरा नॉलेज, ये तेरा ओहदा, ये तेरी अफीसरी, इसको घर की चार दीवारी से बाहर रख के घर के अंदर बराबरी के उसूल पे आ। तो उसके मुआमलात को समझ, वो तेरे मुआमलात को समझे, तो उसकी नफसियात को जान, वो तेरी नफसियात को समझे। उसे इलम होना चाहिए कि गुस्सा क्या है, नाराजगी क्या है, और दुख दर्द की कहानी क्या है, अंदर क्या चल रहा है, और नाज क्या है, नखरा क्या है। हमने नाज और नखरे को जब समझना नहीं और गुस्से का नाम दे देना और गुस्से को नाज और नखरा कह देना है, तो फिर घरों में वही होता है जो हमारे हो रहा है। अल्लाह हमें माफ करे। मेरे भाइयों, नहीं, मुझे यहां मिसाल देनी है कि ये प्यार और मोहब्बत एक दो दिन का नहीं,
जो पहली आयत आयत निकाह पढ़ी गई थी निकाह के अंदर खुतबे में, उसमें एक लफ्ज है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक तुम मर नहीं जाओ तुम्हारा घर सेफ सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल रहना चाहिए। ये नहीं हो कि यहां अमन खत्म हो जाए, अमान खत्म हो जाए, मोहब्बत और मवद्दत और प्यार, तकवा और परहेजगारी ये खत्म हो जाए। कैसे? कोटला मूसा कहां है? अहमदपुर शर्किया से आ गया। 85 और 95, 90, 100 इनके दरमियान उम्रे हैं। वालिद साहब को मिलने के लिए एक जोड़ा आता है और गधे पे आते हैं। सरेकी स्पीकिंग है। मैं अपना होमवर्क मस्जिद में बैठ के पिछली रात किया करता था, काम कर रहा हूं तो लकड़ियों के टूटने की आवाज आई। मैंने बाहर निकल के देखा तो जो मेहमान आई थी बूढ़ी अम्मा, ज़ईफ, अब 80 से ऊपर औरत चली जाए तो आप हिसाब लगाएं क्या होगा, लकड़ियां तोड़ रही है। मैंने कहा अम्मा क्या करें दे पे वे? अगे पुत्र तेरे दादे नमाज पढ़नी है, मैं उनको पानी गर्म करते रहे। अच्छा मां जी, उम्र के इस हिस्से में तहज्जुद की नमाज के लिए आप उठ करके पानी गर्म करके देंगी? मैंने कहा लाओ मैं गर्म कर देता हूं। कहने लगी नहीं, ये काम मेरा है, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये सवाब मैंने लेना है। मैंने कहा आप बूढ़े हैं, आपके हाथ काम नहीं करते, ये टूट नहीं रही। कहने लगी नहीं कोई बात नहीं। कोशिश की, तोड़ी, आग जलाई, पानी गर्म किया। मैंने कहा अम्मा पानी मैंने अमदा। कहने लगी नहीं मैं खुद लेके जाऊंगी। पानी लेके गई, उनको वुजू करवाया, वुजू करके उनको मस्जिद में हाथ पकड़ा लेकर के आई। जब मस्जिद में आ गए वो घर चली गई। मैंने कहा दादा खुश नसीब है, बुढ़ा थी गई, कब रिश्ते जंगाइन, अम्मा आज तेरी खिदमत पे करे दी है। जा पुत्र मैं अपनी जाल ते राजी आई, मेरी खिदमत की थी। नए नए तो हर कोई शौक पूरे कर लेता है। आप पेप्सी लेंगी, आइसक्रीम खाएंगी, क्या होगा? आप पराठा लेंगे, क्या लेंगे? आप आएंगे नहीं, मैंने खाना नहीं खाना। ये चार दिन तो सिलसिला चलता है, मजा तब है। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तुम्हें जुदा करे तो मौत जुदा करे, दुनिया की कोई और चीज तुम्हारे ताल्लुक को ना तोड़े। हजरात जब हम ये करेंगे घर जन्नत नुमा होगा। मुझे इस इख्तिसार की चंद बातों के साथ, बातें बड़ी लंबी चौड़ी हो सकती थी, मुझे अगले घर की तैयारी करवानी है, जिस घर के लिए हमने कुछ भी नहीं बनाया और इस घर के लिए दौलत, माल, पैसा, वक्त, जिंदगी, झूठ सब कुछ बोला, खाया पिया लिया, बच्चों के लिए बनाया, लेकिन बच्चे और दौलत इतने बेवफा निकले। सऊदीया कमा कमा के बाहर काम कर करके यूरोप से वापिस लौटा, एयरपोर्ट पे पहुंचा, ब्रीफ केस भरा हुआ, बैंक में भेजे हुए, रास्ते में यारों ने आके ले लिया। दौलत ने एक दफा भी खड़े होके नहीं कहा भाई मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना। इसने अपनी बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, देश छोड़ा, परदेशी हुआ, धूम में खड़ा हुआ, रंग सफेद था काला करवा लिया, हालत इसकी बिगड़ गई। इसने मुझे कमाया, सबसे हटकर के साथ समंदर पार से लेकर के आया, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, इसके साथ जाना है। दौलत बेवफा निकली, चुप करके डाकुओं के साथ होकर के चलती बनी, इसने भी साथ ना दिया। अल्लाह अकबर, जिन बच्चों के लिए कमाया था, जिस बीवी के लिए अपनी जवानी बाहर उसकी सहूलतों के लिए गुजारी थी, मौत ने झटका दिया। आज अम्मा, आज अब्बा, आज बीवी बेटे, आल औलाद, मामे ननियाल ददियाल जब कफन लेकर के आए, दर्जी को किसी ने नहीं कहा यार इसने इतना कमाया है, इसकी तीन जेबें कम से कम लगा देना, एक दाएं एक बाएं एक फ्रंट पे, चलें आज शलवार तो इसने नहीं पहनी, धोती को हम जेब क्या लगाएं। कफन ऐसा दिया, जेब तैयार नहीं रखी, जिंदगी ख्वाहिश जर में बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे, जनाब कफन दे दिया। घर से कपड़ा देने की बारी आई, चार पाई तक नहीं दी, चार पाई भी मस्जिद की, फट्टा भी मस्जिद का। घर की चार पाई दी तो सोएगा कौन, नींद नहीं आएगी। कब्रिस्तान में लेके गए, दफना के आए, नया घर है, नई जगह है, नया माहौल है, वॉशरूम है कि नहीं, किचन है कि नहीं, खाने पीने का माल है कि नहीं, कुछ लेन देन ताल्लुकात, बेड नरम, बिस्तर, हवा पंखा कुछ है कि नहीं। आज कब्र के ऊपर इस नए घर में, शहर खामोशा में, दुनिया जिसके लिए मेरी वफाएं रही,
जिसके लिए कुरान ने कहा था तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, वल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, तेरे लिए तो अगला घर अच्छा था लेकिन तरजीह दी तो किसको दी। आज अम्मा नहीं रुकी कि मेरा बेटा तन्हा है, अब्बा नहीं रुका कि मेरा बेटा अकेला नहीं रहा, आज बीवी नहीं रुकी कि मेरा शौहर मेरे बगैर यहां तन्हा कैसे रहेगा, औलाद में से कोई नहीं रुका, सब छोड़ के हाथ उठा के कहने लगे, मट्टी की मुट्ठी डाली और कहा कि अब्बू जान भाई जान ए मेहरबान दोस्त जो भी हो ये तेरे लिए हमारे पास मट्टी के अलावा कुछ नहीं। फिर उस घर के लिए मैंने क्या किया, वहां तो अमल था ना, शायर ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, अमल से जिंदगी बनती है। मुझे पहले घर के ऊपर भी ये शेर दोबारा कहना है, खुलासा हो जाएगा, बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। दुनिया के घर में बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में ना चंगी है ना माड़ी है, ये आपने खुद करना है। कबर आ गई, मन रब्बुक मन नबीयुक मा दीनुक, तेरा मुश्किलों में मुश्किल कुशा कौन था, तू अपनी जरूरत किससे पूरी करवाता था। भाइयों सैकड़ों बातें हो सकती हैं, कोई लगी लिपटी नहीं, मेरा वो भाई मेरी वो बहन इस्लाह कर ले जिसका ये जेन है कि एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, छोटा सा पर्चा है, मैं फौरी जवाब देके हल करके उठ करके जो है चलता बनूंगा, नहीं यहां अमल से जवाब होगा। जिसने सारी जिंदगी अपनी मुश्किल रब से हल ही नहीं करवाई, उसे पता ही नहीं कि वो मुश्किल कुछ है, वो हाजत रवा है, वो देने वाला है, वो बेनियाज है, बिगड़ी बनाने वाला है, खजानों में कमी कोई नहीं, उसने कभी रब को पुकारा ही नहीं, आवाज और सदा दी ही नहीं, छोटी छोटी बातों पे दाएं बाएं औरों के नाम लेता रहा। जब जिब्रील की वही आई उसे समझा नहीं, जब कब्र के अंदर फरिश्ता आकर के पूछेगा मर रब्बुक तो ये क्या नाम अल्लाह का लेगा, कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता, मारा जाएगा। लादा रहता वाला तलई तो जालिम, तू पढ़ भी नहीं सका, हवा से खमसा से जान भी नहीं सका, और फिर पूछा जाएगा मन नबी, तुझे तेरे रब के बारे में शरीयत के बारे में आसमान की खबरें कौन देता था, किस पे एतमाद करता था। जिस पे एतमाद करता होगा उसी का नाम लेगा ना जिसको इमाम बनाया होगा। लेकिन याद रहे यहां कब्र में अगर जवाब के अंदर नाम चलना है तो सीरत इमाम आजम पढ़ी होगी तो बात बने, लेकिन जिसने सारी जिंदगी महबूब से फतवा लिया नहीं, बात पूछी नहीं, हदीस मानी नहीं, एतमाद किया नहीं, सुनता रहा है लेकिन कर नहीं पाया, वफा के दावे करता रहा वफा नहीं निभा पाया। बनते हो वफादार वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है करने की वफा और। लोगों वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। कब्र में पता चलेगा कि मन नबीयुक तुझे रब के बारे में खबर कौन देता था। यहां एहसास पैदा करो, अगर कब्र के घर को अच्छा बनाना है तो इमाम आजम से ताल्लुक जोड़ लो, उनकी सीरत जैसी सीरत बना लो। तीसरी चीज दीन कौन सा है, यहां पता चलेगा, सारे कह देते हैं इस्लाम, दीनी अल इस्लाम, लोगो इस्लाम क्या है, आसमान से रब ने जो उतारा है ये किताब सुन्नत तुम्हारे रब की तरफ से, यही हकीकत है, यही वही है, सारे लोगों के लिए चुना गया। अगर इससे हट करके मैंने अपनी मर्जी अपनी चाहत रसूम और रिवाज आदात और खराफात लोगों की बातें पैगंबर की हदीस को छोड़ के अकवाल ले लिए आयात को छोड़ के अपने मुआमलात ले लिए तो फिर समझ लीजिए कि मुआमला बिगड़ चुका है। और फिर यही होगा, जन्नत दिखा के जहन्नम की विंडो खुलेगी। लेकिन अगर मैंने और आपने अपनी सीरत अपना किरदार अपना करेक्टर अपना अमल मुआमलात अपनी दुनिया की जिंदगी में अगले अकाउंट के लिए कुछ बना लिया, रब को अपना रब माना, वहदा उला शरीक जाना, सर उसके दर पे झुकाया और जरूरत में मुश्किल में उसको पुकारा और फिर उसी के अहकाम पे चले, मोहम्मद और रसूल सल्लम की सीरत को अपनाया और वो किताब सुन्नत वाले दीन को लिया, मेरा रब कब्र के घर को जन्नत का बगीचा बना डाले। और आखिरी घर या जन्नत है या जहन्नम है, हजरत मख्फी नहीं किसी से, फैसले किस बात पे होंगे। यह मुझे आखिरी बात कहनी है कि 50 प्लस लेकर के जाइए, अल्लाह का उसूल है कि आपके 50 से ऊपर नंबर जिस तरफ भी हो गए, वजन जिस तरफ बढ़ गया,
आप उसी तरफ चले जाएंगे। अगर 51 नंबर नेकियों के हो गए तो आप पास हैं, जन्नत आपका घर है। और अगर जो है ये कम पड़ गए, 49 हो गए, और गुनाह जो है वो 51 हो गए, 50 से ऊपर चले गए, फिर मुआमला दूसरी तरफ है। लोगों याद रखना, बड़े बड़े गुनाह जमीन से लेके आसमान तक भर के आ गए। अगर रब के साथ शिरक नहीं किया तो खुश हो जाइए कि अल्लाह ने अपने दायरा इख्तियार में ये बात रखी है, रब की मर्जी में है कि अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ कर दे। लेकिन शिरक हुआ, तौबा नहीं की, मौत आ गई, मुआफी नहीं मांगी, रुजू नहीं किया और अल्लाह से राबते नहीं किए, इनाबत नहीं की, अपने शिरक पे नहीं रोया, तो फिर आज रो लीजिए। मुनफ़इल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। वगरना इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यहां लगी लिपटी नहीं, तौहीद पास रखो। और अगर सुन्नत नहीं हुई तो जन्नत तो बड़ी दूर की बात है, रब ने हौज़े कौसर के भी करीब नहीं आने देना। बिदआत और खिराफात, मन मर्जियां, अपनी चाहतें, अपनी आरजुएं, अपनी तमन्नाएं, अपने अंदाज, अपने तरीके, अपने सलीके, अगर इनको लेके चलते रहे, हौज़े कौसर आ गया है, महबूब के सामने है, निशानियां लगी हुई हैं, चेहरे मोरे खूबसूरत हैं, जेवर पहना हुआ है और माशाल्लाह उम्मती लग रहे हैं। रब ने दरमियान में दीवार हायल करके इधर से उधर कर दिया, लोगों पूछा गया कौन, अल्लाह ये मेरे उम्मती, फिर इनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा। अल्लाह कहेंगे जन्नत तो एक तरफ, तेरे हौज़े कौसर पे कैसे आए, इन्होंने तेरे बाद मर्जियां शुरू की थी। हजरात ये रिवायत झटका है कि अगले जहान में अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आए अपने तीनों घरों को खुशनुमा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, अपनी भी इसलाह करें, दूसरों को भी दावत दें, और इसमें जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आले हदीस कॉन्फ्रेंस के स्टेज की वसातत से आज जो आप लोगों को सबक मिला, इसमें जो अच्छा लगे, मुस्बत लगे, बेहतर लगे, प्यारा लगे, और वहां कमी महसूस हो कि ये होना चाहिए, उसे लेकर के जाइए, दूसरों तक इस रोशनी को फैलाइए और पैगाम को पहुंचाइए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर वमा तौफीक इल्ला बिल्ला। ये सारी चीजें जिंदा मानते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है मेरे भाइयों। नमाज फासिक फाजिर जब तक कुफ्र बवाह ना देखो, उसके पीछे इमाम के साथ बगावत करना ये भी अहले सुन्ना वल जमा के अकीदे के खिलाफ है, लेकिन अगर कुफ्र बवाह है तो पीछे हटा जाएगा, इसके अलावा नहीं। छोटे मोटे मामलात इख्तलाफात ये आपके और मेरे हो सकते हैं, मोहम्मद रसूल सल्लम की अथॉरिटी है कि किबले की तरफ उसने थूका है, आपने मुसल्ले से हटा दिया, लेकिन मैं और आप उठ के मुसल्ले खेचे ये करें, मस्जिदों में फितने खड़े कर दें, हाँ मेरा भाई जो तावीज गंडे करता है उसे नहीं करने चाहिए, मना किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोका है, रुक जाना चाहिए। इससे कारोबार में कमी नहीं आती, मेरा रब रिजक में बरकत दे देता है। आप जो चीज रब के लिए छोड़ेंगे, मन तवाजा अलिल्ला रफाउल्ला, मेरा रब उसको उतना ही बुलंद कर देगा जो रब के लिए झुकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।